सर, क्या बात है? हाँ, शहर के बाहर हैं, बस तय की हुई जगह की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कुछ देर बाद फोन करता हूँ। ठीक, ऐसा ही होगा। ड्राइवर, लेफ्ट लेके राइट लेना। बेटी आंटी, दिव्या कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ऊपर? हाँ, चलो ऊपर कमरे में। टेक पोजीशन। यस सर। अटेंशन सर। मेरा नाम विदेश पांडे, द किंग ऑफ टेस्ट। आपसे बहस करना है वेस्ट। वेरी गुड बच्चों,
तुम सभी जानते हो कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर शेफ कोई नहीं है। मैं एक शेफ हूँ, कोई मामूली रसोईया नहीं। सब उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं, मैं इंटरनेशनल खाना बनाता हूँ। इसीलिए सबको छोड़कर मुझे इतनी बड़ी शादी में खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मैं ऐसा तड़का मारूंगा कि सारे के सारे मेहमान खाना खाकर हिल जाएंगे। आज ये दुनिया कहेगी कि देश पांडे के खाने का कोई जवाब नहीं। अच्छा तो तुम आ ही गए, माफ कर आ जाए, इतनी देर क्यों लगा दी? अगर थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया, मैं आ तो गया ना। आकर मुझ पर एहसान किया क्या? ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। दुनिया मेरे खाने का इंतजार कर रही है, इसलिए पूजा करके फौरन काम पर लग जाना है। ओके, भगवान का नाम ले लो। ओम अन्नपूर्णेश्वरी नमः, ओम दुराय नमः, ओम मिल्काय नमः। आरती ले लो। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? आरती अपनी आंखों पर लगाओ। चलो ठीक है, चलो सबके साथ। हमारी शुरुआत अच्छी होगी नहीं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या कोई मुझे बताएगा ये कैसे हुआ? देखिए मुझसे गलती हो गई और आपका ये हाल हो गया। मिट्टी का तेल डाला था ना? जी नहीं, पेट्रोल डाला था। पेट्रोल डाला था? मेरा मर्डर करने का प्लान क्या था तुम्हें? मेरा नाम हृदेश पांडे है, ये भूलना मत कभी। सुनिए सर, बाहर इडली ले जानी है। मैं ऊपर जाते जाते बच गया और तुझे इडलियों की पड़ी है? अभी बनाता हूं इडली मैं। हनीमून की तैयारी हो गई है क्या? बस बस इतना मजाक मत उड़ा, जब तेरी शादी होगी तब मैं बताऊंगी। मेरी बात छोड़, आज तो तेरी शादी है, सुहागरात के लिए नर्वस मत हो जाना। अरे ये राजा कहाँ चला गया? बाहर खाना परोसने और खाने में डालने के लिए नमक है ही नहीं। सुनिए सर, एक छोटा सा डाउट। क्या डाउट है? खाना खाने के बाद मेहमान जब यहाँ से चले जाएंगे तो उन्हें लड्डू दें तो कैसा रहेगा बताइए? तू देना लड्डू? यहाँ मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, खाने में डालने के लिए नमक नहीं है। देख राजा, ये सब तेरी गलती है। लिस्ट में तो नमक था ही नहीं। अरे लिस्ट में भी नहीं है, वहाँ स्टोर रूम में भी नहीं है। भगवान मैं क्या करूँ, इतनी देर हो गई, अब तो मार्केट ही बंद हो चुका होगा। ए ऊपर वाले किसी तरह से मेरी इज्जत बचा ले, नमक नहीं आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ का काम मैं संभालता हूँ, आप रामलाल के गोदाम में जाकर वहाँ से नमक लेकर आइए। यूँ जाइए और यूँ आइए। मैं जाकर लेकर आऊँ? यू मीन थेफ्ट? नो सर, नो थेफ्ट, ओनली शिफ्ट। क्या मतलब? अभी हम वहाँ से नमक उठाकर ले आएंगे और कल वापस रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया आइडिया राजा, मैं भी लेकर आता हूँ। ओके सर। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक महापुरुष हैं, एक शूरवीर हैं, कर्मवीर हैं सर। उठ राजा, मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला जिंदगी में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अब मैं चलता हूँ। संभल के सर। सचमुच कितना अच्छा सेवक मिला है मुझे, ये मेरे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। अब मुझे चुपचाप जाकर रामलाल के गोदाम से नमक निकालना है। चक्कर देखता हूँ किस बोरे में क्या है, है? नमक ही है। बड़ा भारी है बे। ओ ये फोन भी। हेलो हेलो। अरे वो काम चोर कहीं का। अबे क्या बोला बे? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ सर। नमक ले लिया ना सर आपने? नमक तो ले लिया, मगर पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। दिल की धड़कन बढ़ गई है, जुबान भी लड़खड़ा रही है। आप डरिए मत सर। डर तो लगेगा ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मेरा पूरा शरीर थर 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 कांप रहा है, लग रहा है कि बेहोश होकर गिर जाऊंगा। देखिए आप ऐसा कीजिए। हाँ बोल। तीन नंबर के दरवाजे के पास जाइए। अच्छा, आपका सारा डर निकल जाएगा। एक्सक्यूज मी, ओपन द डोर। एक्सक्यूज मी, कौन है भाई? मेरा नाम हृदेश पांडे है, एक छोटा सा काम था। अरे इतनी रात गए, क्या काम है? नमक ले जाने आया था। क्या नमक? वो रहा। तुम्हें नमक कहाँ से मिला? वहाँ गोदाम के पास रखा हुआ था, मैं बोरी को चुपचाप वहाँ से ले आया। क्या है? मेरे गोदाम से नमक चुराया है? और मुझे ही बताने आ रहे हो? अरे सब लोग बाहर, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे चलो शुक्र है, आपकी गलतफहमी अभी दूर हो जाएगी। मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था, सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। हाँ राजा, जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नमक ले लिया ना? देखिए नमक चोरी करके चुपचाप से वहाँ से निकल लीजिए। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है और मेरी बातें अब मुझे सुनने नहीं दे रहे। ये लो सुनो, एक काम करते हैं, स्पीकर फोन ऑन करके सारे सुन लेते हैं, ठीक है ना? अभी ऑन कर देता हूँ। हाँ राजा, जो कहा था उसे फिर से दोहराओ। हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि पैसे देकर नमक ले लीजिए, लेकिन आप मेरी मानेंगे कहाँ, चोरी करेंगे। अबे क्या बोल रहा है तू, अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। चलो मारो मुझे। दोबारा कभी आने की हिम्मत मत करना। बड़ा आया था चोरी करने,
अम्मा बहुत मारा, शरीफ आदमी को ऐसे मारते हैं भला? ताले पिटवाने के बाद फोन करता। पिटाई किसकी हो रही थी? तुमने जिसे महापुरुष कहा था ना, उसी की धुलाई हो रही थी। आप लीजिए, अब तुम लोग दुआएं दो। ये ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ। सुनिए पांडे जी, खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? मुझ पर तो भरोसा है ना? ये क्या है? लड्डू। सही कहा। मैं आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बताता हूँ। इस लड्डू को इस दाल चावल में मिलाकर ऐसे खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ए पांडे जी, इधर आओ। क्या बात है, बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है? ये आपने कैसे खाना बनाया है? शादी में मेहमानों को ऐसा खाना खिलाते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। जिंदगी भर याद रखे? हाँ। जरा एक निवाल उठा के मुंह में डालिए, अब देखना कैसे याद रहेगा आपको। मेरे मेहमानों की बेइज्जती मत करना। मैंने मेहमान को इंसल्ट किया? जो आपके मेहमान ने किया वो तो कुछ भी नहीं, उसने मेरे खाने की बेइज्जती की और मैं चुपचाप खड़ा रहा हूँ। अरे खाने में नमक नहीं डालोगे तो और क्या होगा? चुप कीजिए आप, मुझसे बहस मत कीजिए। मैं हृदय पांडे इंटरनेशनल लेवल का शेफ हूँ। अरे सर, खाने में क्या हुआ? हमने खाने में जो नमक मिलाया था ना सर, उसमें उसमें मरा हुआ चूहा निकला। धीरे बोलो, धीरे बोलो। हाँ एक बात और, हमने चावल भी राशन की दुकान से लिए थे जिनमें कीड़े लगे थे, उनके पैसे अभी तक नहीं दिए। अरे ये सारी बातें अभी क्यों कर रहे हो? बाद में कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। हाँ तुम बोलते जा राजा। हाँ, इडली वड़े 2 दिन पुराने हैं और सांबर भी पड़ोस के होटल से उठाकर लाए थे ना। क्या तुझे ऐसा लगता है? जाओ जरा उस होटल वाले को लेकर दबाओ। हाँ अगर तुझे मेरी इज्जत मिट्टी में मिलानी है तो कुछ और भी कर ले। अरे वो क्या करेगा, जो करना मैं करूंगा। अरे राजा ये तूने क्या करवा दिया, बहुत मारा ने। अरे सर आपकी ये हालत किसने की? अब किस किस का नाम लूं मैं? अरे जमाई राजा आप नहीं जीतेंगे, मेरी बेटी ही जीतेगी देखना। बेटी अभी उसके सर पर रख दे। क्या उसे तू देख किस तरह तुझे घूर रहा है? तो ये बात है। हे भगवान, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। पानी गर्म है ना? जी हाँ। जरा बाथरूम में रख दे, मैं चैन से नहा लूं। ओके। किसी ने मेरी फोटो खींची है? कौन है वहाँ? तूने मेरी फोटो खींचने की जरूरत की ना? अभी बताता हूँ तुझे। कहाँ गई है? रुक जाओ। ओए ए लड़की रुक जाओ। मेरी नहाते वक्त फोटो क्यों ली तुमने? ये क्या कह रहे हैं आप? जब मैं बाथरूम में पप्पी शेम शेम था तब तुमने मेरी फोटो खींची। इस गधे की गलत फहमी का मुझे फायदा उठाना चाहिए। ये मुझे राजा से मिलाएगा वरना इसकी होगी खजा खड़ी। ऐसे क्यों देख रही मुझे? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हर चैनल पर, इंटरनेट पर और रेडियो पर सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे करवा दूंगी, फिर सब लोग तुम पर थू-थू करेंगे। ये कैसी मुसीबत है, फंस गया मैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसा ना करो? नो चांस। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ? वो राजा तुम्हारे पास काम करता है ना? कौन राजा? ला दवा खा लेना, दारू मत पीना। जी ठीक है। एक बात कहूँ, आजकल किचन में बहुत हरियाली है ना? हाँ सर। तुमने देखा कि नहीं, वो मुझे लाइन दे रही थी। ए पांडे, तुम मेरी बीवी को क्यों छेड़ रहे थे? अरे मैं तो सिर्फ इस ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। ये ब्यूटी मेरी बीवी है। आप बहन जी को बाहर ले जाइए ना, मैं देख लूंगा। चलो चलो यहाँ से। अब आजकल शादीशुदा औरतें भी मुझे लाइन मार रही है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? ए पांडे जी इधर आओ। क्या हुआ मैडम? हमारे बीच जो करार हुआ था उसके मुताबिक तुम्हें मुझे राजा से मिलवाना है, इसलिए तुम मुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर आओगे और मुझे उससे मिलवाओगे। कमरे में भेजना होगा? एक बात समझ लीजिए मैडम, सर कटा सकता हूँ, सर झुकाऊंगा नहीं। बस 5 मिनट में राजा यहाँ आता होगा, मैं आपका काम किसी भी हालत में कर दूंगा।
मैं कभी भी इस तरह तैयार होकर नहीं जाता सर, मुझे जाने दीजिए। हाँ बहुत भोले आदमी हो ना तुम। मेरी बात तो सुनिए। शादी ब्याह में जाओगे, चार लोगों से तुम्हारी बातचीत होगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन फिर भी तुझे शादी में लाने का मैंने किसी से वादा किया है, अब क्या मेरे माथे पे तू कालिख लगवाना चाहता है क्या? तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मेरे यहाँ क्या काम, मैं चलता हूँ। जरा सुनिए सर। क्या हुआ? सर ये बाथरूम कहाँ होगा? हाँ। बाथरूम जाना है? वो रहा उधर, चल जा। काफी सच सच के आए हो, आज कोई खास बात है क्या? क्या बात है, कल के फंक्शन में मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे थे। हाँ मैं देख रहा था लेकिन घूर घूर के नहीं। अच्छा झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? हाँ हाँ लगती है। क्या कभी तुम्हें किसी से लव नहीं हुआ? लव नहीं हुआ कभी। हुआ है, तुम्हें लव हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे तो कहना तुम्हें लव हुआ है, समझे? राजा आजा। हाँ आया सर। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजा आजा। जरा रुक भी जाइए सर। अरे ये अंदर क्या कर रहा है? इधर आओ ना। अरे ये दोनों शुरू तो नहीं हो गए? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रही है। सुनिए, आप कमरे में क्यों झांक रहे हैं? हैं? जेमनी सर्कस चल रहा है, मौत के कुएं में बाइक चल रही है, चल हट रास्कल। एक सवाल पूछूं? सच सच बताओ क्या कुछ हो रहा है? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। मुझे छूके तुमने, बता दिया कि तुम्हें कुछ हुआ। जाओ। इतनी देर हो गई, पता नहीं क्या कर रही है अंदर। ये सब क्या है राजा? तू तो बाथरूम जाकर आने वाला था, ये दूल्हा बनकर कैसे आया? तू इस तरह से शर्मा क्यों रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा? शुक्रिया? ये कमरे के अंदर अचानक क्या हो गया? राजा ने आपके साथ कोई बदतमीजी की क्या? अब समझा क्यों शर्माया वो? अच्छी छोरी। राजा मेरा नौकर है और मैं उसका मालिक हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे उसके जैसी किस्मत क्यों नहीं दी? क्या हुआ राजा? कुछ नहीं। ठीक है सो जा यार। ओके सर ठीक है, मैं फाइल चेक करके आपको बताता हूँ, आपको पूरी खबर दूंगा। सर नमस्ते सर। क्या बात है राजा, यहाँ कब आए? मैं तो सुबह से ही यहाँ पर हूँ। सुबह से ही आए हो? हाँ सर, जब भी मैं अपने बारे में आपसे पूछता हूँ तो आप मेरी बात टाल देते हैं, कुछ बताते क्यों नहीं? देखो अगर मुझे कुछ पता होता तो तुम ही सोचकर बताओ मैं तुमसे क्यों छुपाता भला। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन आप ये तो बताइए कि जिस आदमी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी वो है कौन, शायद वो मुझे कुछ बता सके। देखो तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी थी वो फाइल भी खो चुकी है। देखिए सर मैं अतीत को जानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि मेरा कोई परिवार हो, मेरे अपने हो, उन्हें मेरा इंतजार होगा, कैसे जिएंगे वो लोग मेरे बिना? एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी जो मदद कर सकता हूँ करूंगा, जिस दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। राजा तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, वक्त आने पर भगवान सब कुछ ठीक ठाक कर देगा, इस बात को याद रखना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अब जाओ,
जाओ राजा, हमेशा खुश रहो। जैसा आप कहें। बस बस रुक जाओ। हाँ चलो चलो जल्दी आओ, मोपेड छोड़ो जल्दी आओ। इधर व्हाट इज दिस? मोपेड छोड़ने के लिए आप ही ने कहा था। अबे छोड़ने के लिए कहा था, गिराने के लिए नहीं। इसे उठाओ और स्टैंड पे लगाओ, चलो जाओ। अरे मुझे देख क्या रहा है? ठीक है चिल्लाइए मत। तो काम ही ऐसा करता है कि चिल्लाना पड़ता है। बेवकूफ। आइए आइए पांडे जी, क्या बात है, अपने बंदे पर बड़ा चिल्ला रहे हैं। अरे वो क्या है ना शर्मा जी, हाँ। कि नौकरों पर धौंस जमानी पड़ती है, हाँ। अगर इन्हें थोड़ी सी भी ढील दे दी ना तो सांप की तरह सर पे बैठ जाते हैं। खैर छोड़िए, चलिए काम की बात करते हैं। बताइए क्या क्या खरीदेंगे? इस बार रिक्वायरमेंट पहले से थोड़ी ज्यादा है। ये बैठ क्यों गया? मैंने इसे हमेशा एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, ताकि इसकी बॉडी मेरी तरह हो जाए। बॉडी बनानी बहुत जरूरी है। सारी सब्जियां दूं ना? हाँ हाँ ठीक है, 5-5 किलो काफी है ना? नहीं नहीं नहीं, 20-20 किलो देना, मेरी राशि के हिसाब से बिल्कुल ठीक नंबर है। ये लीजिए आपके लिए बैंगन। ए, नीचे क्या देख रहा है? क्या मतलब? इतना सा चुंबक लगा के क्या फायदा कर लेंगे? मैं वो देख लूंगा, तू अपना मुंह। ओके अब बकवास बंद कर, जो कुछ मैं खरीद रहा हूँ उसका हिसाब किताब कागज पर लिख ले जल्दी। बस बस काफी हो गया, ये बताइए कि सारी सब्जियों का बिल क्या हो गया? पांडे जी सारे लोग दूसरे कस्टमर्स को देख रहे हैं। अच्छा आपने तो सब्जियों की लिस्ट वैसे ही बना ली है। मुझे दीजिए, मैं अभी हिसाब कर देता हूँ। हाँ, दे ये नहीं दिखा सकता। क्यों? इसमें हिसाब किताब है। हाँ तो अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? टाइम पास मत करो, दे दो इन्हें। नहीं दूंगा राजा, मेरी बात नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा। देखिए मेरी बात मान जाइए। बिल्कुल नहीं मानूंगा। लीजिए शर्मा जी, आप हिसाब किताब लगाकर बता दीजिए। बैंगन लिए 20 किलो तो फायदा हुआ पूरे 2 किलो, 2 किलो का मतलब है पूरे 40 रुपए। टमाटर भी लिए पूरे 20 किलो तो फायदा हुआ 2 किलो का और बच गए कुल मिलाकर 60 रुपए। ये सब लिखना जरूरी था? मटर भी लिए 20 किलो, फायदा हुआ 2 किलो का, उस हिसाब से बच गए 50 रुपए। कहाँ जा रहे हो? ये कैसा हिसाब किताब किया है तुमने? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप अपना तराजू चेक कीजिए। इनकी इतनी बचत इसलिए हो रही है क्योंकि एक पलड़े के नीचे इन्होंने चुंबक लगा रखा है। हेरा फेरी करेंगे तो फायदा तो होगा ही। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम मुझसे किस जन का बदला ले रहे हो। अरे तुम सबकी भलाई के लिए ही मैं थोड़ा सा फायदा कर रहा था। पांडे जी इतने महीनों से आप मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, तो अब क्या करेंगे? क्या करूंगा अभी बताता हूँ। अच्छा, अरे रंगा बिल्ला भीमा सब इधर आओ रे। ये सब क्या सब्जियाँ उठाएंगे? सब्जियाँ नहीं, वो आपको उठा कर ले जाएंगे। अरे यहाँ से मेरा इंतजार है, चले यहाँ से। जरा एक मिनट, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को बताना मत। जी ठीक है। हाँ चलो, मेरा हाथ पकड़ना जरा। अरे क्या बात है सर, मेरे हाथ के साथ साथ कुछ और भी दब गया। क्या सच में? आपने मुझे बुलाया भाई? तुम्हारा पुराना दुश्मन विश्वा आ गया है। कौन है? क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मुझे, मेरे सर ने कहा कि यहाँ पर आकर खड़े रहो। वो क्यों? अब मुझे क्या पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं उनका नौकर हूँ, जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ कहूँ तो वो भी करोगे? तो फिर मुझे अपनी गोद में उठाओ। वहाँ वो बड़ा पत्थर है ना, वहाँ तक मुझे उठा कर ले जाओ और मुझे उस पत्थर पर बिठाओ। संभाल कर मुझे गिरा मत देना, मेरे कपड़े भीगने नहीं चाहिए। ठीक से उठाओ ना, मेरे कपड़े भीग जाएंगे। एक बात बताओ, मुझे यहाँ लाते वक्त तुम्हें कुछ फील हुआ क्या? तुम्हें क्या हो रहा था? गुदगुदी हो रही थी। कहाँ पे? पैरों पर। क्या पैरों पर? ठंडे पानी में चलूंगा तो पैरों पर गुदगुदी नहीं होगी तो और क्या होगा?
सत्यानाश, तुम्हें और कहीं कोई फीलिंग नहीं हुई क्या? अब क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ 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 जाओ, मैं तो कहती हूँ पानी में डूब कर मर जाओ, और चाहो तो मुझे भी डुबो। ओके। तुम्हें तुम्हें पाकर ही रहूंगी। क्या खाना पसंद करेंगे आप? वड़ा, इडली, पूरी, डोसा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हा? मैं सुबह सुबह घर से पेट भर के नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा। वैसे आप बहुत हैंडसम लगते हैं। थैंक यू सर। मैं आपका फैन हूँ सर। फैन? हाँ। वो भी मेरे? सर आपको ऑटोग्राफ मिलेगा? ऑटोग्राफ ये तो मैं देता ही रहता हूँ। एक मम्मी के लिए, ये मेरे बच्चे के लिए, और ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। सर स्माइल प्लीज। थैंक यू। यू आर वेलकम। सच्चाई ये है कि आप हमारे बैंक कस्टमर हैं। 5 लाख का लोन आपने चुकाना है। क्या लोन? लोन? मैंने तो ये समझा था कि तुम मेरे सच्चे फैन हो। तुम्हारा ये बैग देखकर तो तुम मुझे शरीफ आदमी लगे। उस जैसे भोले वाले आदमी को तुमने फंसाया। आजकल तो किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अरे ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे इस होटल से मुझे जो भी कमाई होती है वो सब मैं तुम्हारे लोन को चुकाने में लगा देता हूँ। आप लोन नहीं चुका रहे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ब्याज चुका रहा हूँ, लोन नहीं चुकाऊंगा तो क्या करोगे? अब आपके सिग्नेचर्स लिए हैं, अब आप बच नहीं सकते। जिन पेपर्स पर आपने साइन किया है उनमें लिखा है कि आप 1 महीने में लोन चुका देंगे। देखो देखो ऐसा न्याय मत करो, मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है अभी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं तो एक करेक्शन एजेंट हूँ, अगर पैसे नहीं चुकाए तो आपको बैंक कोर्ट में घसीट कर ले जाएगा। कोर्ट में तो नहीं जाना चाहता हूँ मैं, इस मुसीबत से मुझे बचाओ ना प्लीज। आप मुसीबत से बचना चाहते हैं? हाँ। अगर आप मुझे फौरन 5,000 रुपए देंगे तो मैं आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूँ। इस काम के 5,000 चाहिए तुम्हें? अभी देता हूँ, पहले ये हाथ आगे बढ़ाओ। अब ये लो 5,000 रुपए। इडली, बड़ा, मसाला। बस बस, ये रोमांटिक स्टाइल है क्या? ओफो, चलो दो कॉफी मंगवाओ। दो कॉफी अभी लेके आया। ये लीजिए कॉफी। ओफो, मैं यहाँ बैठी हूँ और इसका ध्यान कहीं और ही है। अरे वाह, देखो कॉफी आ गई। पियो। कॉफी सर। मैडम बिल। ये साहब बैठे हैं ना, इनको बिल दो। लीजिए सर। hey, अरे तू मुझसे क्या मांगता है, इन अमीर मैडम से ले लेना। ओफो, क्या करूं मैं? चाचा बिल रख लिया मैंने। इसको तो सुधारना ही पड़ेगा वरना इसके साथ लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? उसके अलावा करूं भी क्या मैं? तुम्हारा ध्यान तो यहाँ है नहीं, इधर उधर देखे जा रहे हो। मेरी बच्ची। बच्ची को छोड़। चुपचाप गन फेंक दे वरना इस बच्ची को काट के रख दूंगा। छोड़ता है कि नहीं? ए, अपनी औकात में रह के बात कर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब। गन फेंक। अब तेरी हालत में खैर नहीं चलेगी। चुप चुप हालत में खबर नहीं निकलेगी। ले चलो इसे। भागने की कोशिश कर रहा है। चल चल। जब भी मुझे आपकी याद आएगी तो मेरे बेटे से बात करो। गंजू जी सर। थैंक यू सर। इसमें कोई
कोई शक नहीं, राजा अगर आज मेरी बच्ची को न बचाते तो आज हमारे बीच न होती। मैं उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। नमस्ते बेटा, देश में आप जैसे नौजवानों की ही जरूरत है। अगर हर कोई इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आज तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे तुम पर नाज है। राजा का कमाल देखा ना आपने, उसे एक्शन किंग किसने बनाया? मैंने बनाया मैंने। ये जो सारे स्टंट उसने किए थे ना हवा में गोल गोल घूमकर उस गुंडे की पिटाई करके, वो मैं अपने बचपन में किया करता था। एक खास बात और है, अपनी बगल में दबाकर उस गुंडे की गर्दन को जैसे उसने मरोड़ा, ये सारे पैतरे में बड़े बड़े VIP को भी सिखा चुका हूँ। मैं आपको भी सिखाऊंगा। मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? इस तरह से एक दूसरे को मत देखिए, ये चोटी मामूली नहीं है, एक सीक्रेट टाइम बॉम्ब है। जिस दिन आतंकवादी मेरे सामने आ गए उस दिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ऐसा ब्लास्ट होगा कि सब तितर बितर हो जाएंगे। याद रहे मैं हूँ पांडे, मैं आज के जमाने का वो सुपर हीरो हूँ जिससे बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले भी डरते हैं। मेरी पहुँच बहुत ऊँची है। पहुँच का मतलब अप्रोच। चलो मेरे साथ। मगर जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। मगर पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ेगा? तुम अभी अभी अपनी ऊँची पहुँच की बात कर रहे थे ना। वो तो मैं यूँ ही मजाक कर रहा था, इतने में आप आ गए। इतना क्यों फेंक रहे थे? वो प्रेस वालों के सामने बात तो बढ़ा चढ़ा कर बोलनी पड़ती है ना। सच तो ये है कि राजा को मैंने कोई फाइट वाइट नहीं सिखाई, मैं तो ये सारी बातें पब्लिसिटी के लिए बोल रहा था। सचमुच? हाँ बिल्कुल सच है, आप मुझे जाने दीजिए। मिस्टर राजा ने सही वक्त पर आकर हमारी मदद की, पुलिस डिपार्टमेंट उनका शुक्रगुजार है। आज उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई। फूल तो खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो सारे खूबसूरत लगते हैं। ओहो, ठीक है, जरा ये देखो, ये सूरजमुखी फूल है। ये फूल सूरज की रोशनी का प्रतीक है। तुम भी मेरे जीवन में सूरज की रोशनी का प्रतीक बनकर आए हो। मेरा यकीन मानो, मैं ये दिल से कह रही हूँ। अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मेरी असलियत क्या है ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई अपना है या नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऐसे इंसान से भला तुम क्यों शादी करना चाहोगी? तुम कौन हो मैं जानती हूँ। तुम एक बहुत नेक इंसान हो, इतना ही काफी है। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो। कल रात मैंने सपना देखा कि हमारी शादी बहुत शान से की जा रही है। अच्छा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी और हम अपना परिवार बसा लेंगे तो घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी होगी मेरी। तुम्हारी? हाँ, मैं सब संभालूंगा, सारे काम मैं करूंगा। अरे जब मैं इस होटल में काम कर सकता हूँ, बेइज्जती सह सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी खुशी के लिए काम नहीं करूंगा? देखो, अगर तुम साथ दोगी तो हमारा भी होटल होगा, फिर मालिक को नौकर बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए, बोल दोगी? क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह नटखट। आप जैसे रैम्बो के लिए मेरे होटल में जंबो मील मिलेगा। बैठिए बैठिए, आज तो किचन का सारा खाना खत्म हो के रहेगा। राजा। हाँ आ रहा हूँ सर। जरा कस्टमर पर ध्यान दिया करो। हाँ विश्वा, क्या हाल है तेरे? विश्वा वो कौन है? इसे नहीं बजाना, मुझे तो जानता हूँ विश्वा। नहीं, मेरा नाम राजा है। अपने बारे में हमसे झूठ मत बोल, हमें सब कुछ पता है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा नाम राजा है, आप चाहे तो ओनर से पूछ लीजिए। अच्छा, आप तो झूठ ही बोलने लग गया है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहे, सच्चाई क्यों छुपाता है विश्वा? देखो मैं फिर से कहता हूँ, मेरा नाम राजा है।
ये आंख देखकर कुछ याद आया क्या? हाँ जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कहीं देखा है। ओ आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, मेरे छोटे से होटल में आपका स्वागत है। इस कॉफी शॉप के मालिक आप ही है ना? मालिक तो आप हैं, मैं तो सिर्फ पैसे गिनने वाला हूँ। इसे क्या हुआ, अपने होटल में बच्चे से काम करवाते हो? ये कानून अपराध है। सर ये बच्चा नहीं है, इसने तो चार बच्चे पैदा किए हैं। आप मेरी बात मानिए, आप बैठिए और पकौड़े खाइए। हवलदार को दे दो, एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ। बैठिए बैठिए। कितने पैसे हुए? आपको जो ठीक लगे दे दीजिए। ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे बाद में देखेंगे। वो जो तुमसे बात कर रहे थे कौन थे? पता नहीं कौन थे, मुझे बार बार विश्वा के नाम से पुकार रहे थे। अच्छा, हो सकता है वो तुम्हें गलती से कोई और समझ रहे होंगे। रिलैक्स ओके राजा। हाँ अभी आया सर। क्या करता सर, इंस्पेक्टर आ गया वहाँ पे। शट अप, गधे कहीं के। एक निहत्ते आदमी को नहीं मार सके तुम लोग, जानते हो उसका मरना कितना जरूरी है? देखिए सर, सिचुएशन सही नहीं थी इसलिए उसे नहीं मारा, पर मौका मिलते ही उसे मार दूंगा, ये मेरा वादा है, यकीन कीजिए। ओके बताओ मैं कौन हूं, तुम मुझे विश्वा क्यों कह रहे थे, क्या जानते हो मेरे बारे में? तू कहना चाहता कि तुझे कुछ भी याद नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ याद नहीं। क्या बात है राजा, तुम यहाँ कैसे? वो मैं यही चला आया था। मुझे कंप्लेंट मिली है कि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ राजा। अरे सर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंद्रमोहन है सर। काम धंधा करते हो कुछ? हम लोग एक छोटा सा वर्कशॉप चलाते हैं गाड़ी रिपेयर करने का। तुम लोग राजा को कैसे जानते हो? हम लोग उसे नहीं जानते सर, बस उसके होटल में जाकर खाना खाते हैं। क्यों रे? जी हाँ सर। देखो इसे मेरी चेतावनी समझ लेना, अगर कभी राजा के आसपास भी नजर आए तो हवालात में बंद कर दूंगा। इतना समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? राजा मुझे वो लोग बहुत खतरनाक लगते हैं, तुम्हें उनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ठीक है? आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आता कि वो गुंडे मुझसे क्या चाहते हैं। सच कहूं तो मैं ये सोचने लगा हूं कि मैं कोई गुंडा तो नहीं था। छी छी, तुम गुंडे कैसे हो सकते हो? बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी राजा, अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो, देखो अब शाम होने वाली है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, जाओ।
हमारे मार्गदर्शक हैं और जब तक ये हमारे साथ हैं इन्होंने पूरे समाज का रूप बदल दिया है। इनके सिवा हमारा दूसरा कोई नहीं। आज के इस दौर में समाज का उद्धार करने वाला सिर्फ एक ही नायक है, हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मी नारायण। सिद्धांतों के पक्के हैं, इन्हीं को अपना वोट दीजिए। पीपल्स सर्विस पार्टी के मुखिया गुरुजी को मिलने आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सभी का स्वागत है। आज के इस फंक्शन की शुरुआत करने के लिए मैं गुरुजी की बेटी से दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आए और दीप को जलाएं। आइए। अब मैं अपनी पार्टी के युवा नेता से दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आकर दो शब्द कहें। आइए विश्वा। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों से कुछ कहने के लायक बन सका हूं। आज अगर गुरुजी ना होते तो मेरा कोई वजूद नहीं होता। समाज के उद्धार के लिए ही इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और इनके प्रयासों के नतीजे हमारे सामने हैं। इन्होंने ये साबित किया है कि ये जनता के सच्चे सेवक हैं। इन्हीं की वजह से आज हम हर खतरे से दूर हैं। आम आदमी का एक ही सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान, और इन्हीं की वजह से ये सपना साकार हुआ। कुछ साल पहले हम चावल के लिए तरसते थे, गांव में बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। राजनीति के माध्यम से गुरुजी ने हमारे समाज को ये सब मुहैया कराया। ऐसे इंसान को मैं सिर्फ गुरुजी ही नहीं देवता का अवतार कहूंगा। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके प्रयासों को और आगे बढ़ाएं, समाज का हर इंसान प्रगति की राह पर चले और इसके साथ गरीबों का उत्थान भी करें, तभी हम फलेंगे फूलेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम अपने समाज में सुख शांति कायम करेंगे गुरुजी के आशीर्वाद से। ये हमारे पिता समान हैं और इनके मार्गदर्शन से हम आसमान को छू सकते हैं। आइए आज हम सब ये कसम खा लें कि हम गुरुजी के आदर्शों पर चलकर इनका नाम सूरज की तरह रोशन करेंगे। मैं ये प्रण ले चुका हूं। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? गुरुजी का ये सपना है कि समाज में किसी पर अत्याचार ना हो, हर तबके के आम इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। मुझे यकीन है आप सब हमारा साथ देंगे। एक बात बताऊं स्वामी जी, ये जो लड़का है ना विश्वा, बड़ा ही नेक लड़का है। मेरे सारे आदर्शों को अपनाकर एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जिंदगी में आगे बढ़ चला है। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना ही बेटा है। रात दिन बस मेरी सेवा करने में ही जुटा रहता है। बहुत ही प्यार करता है मुझे। मैं सोचता हूं कि उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूं। सुनो विश्वा, तुम्हारे भाषण ने तो सबको हिला कर रख दिया। सबके सब बिल्कुल दंग रह गए। कमाल हो गया, तुमने जनता के बीच अपनी जगह बना ली है। अब तुम हमेशा उनके दिलों पर राज करोगे। जैसे ही तुम माइक के सामने आए पब्लिक दीवानी हो गई तुम्हारी। अरे तालियों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। बस दम करोगे? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए जी, बोलिए। इंटर के पास जाकर देखिए सारे पोस्टर तैयार हैं या नहीं, और हाँ होर्डिंग्स भी शाम तक मिल जाने चाहिए। ठीक है सर। आप ऐसा जी बोलिए सर, प्रेस रिलीज के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट जाने हैं आप देखिए। शाम को पार्टी लीडर्स की मीटिंग है, उसका इंतजाम कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है सर। पार्टी हेडक्वार्टर पर बैनर लगा या नहीं देख लेना। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ओके चलो चलिए। हेलो विश्वा, एक्सक्यूज मी। तुमसे हजारों लोग मिलने आते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन ये सुंदरी क्यों आ रही है तुमसे मिलने? अभी पता चलेगा। हाय, आई एम अंजलि। नाइस टू मीट यू। मैं आज की दुनिया की रिपोर्टर हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। आपके जैसा युवा नेता कैसी जिंदगी जीता है, मैं इस पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। आज की युवा पीढ़ी की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो है विश्वा, इसलिए मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए प्लीज। देखिए मैं किसी इंटरव्यू के लायक नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। सुनो विश्वा, जब अंजलि जी तुमसे इंटरव्यू के लिए कह रही हैं तो दे दो, 5 मिनट में इंटरव्यू हो जाएगा बस। हाँ दे दो प्लीज। अच्छा क्या पूछना चाहती हैं आप? थैंक यू। आपके लिए सोशल वर्क जिंदगी है। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के तौर पर चुनकर आप खुश हैं क्या? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो फिर
क्या है? मेरा मानना है कि इंसान के पास दौलत उतनी ही होनी चाहिए जिससे उसका आसानी से गुजारा हो जाए। मैंने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है। गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसी पर खेती बाड़ी करते हैं, इतना काफी है। ब्र, ब्र, कैसे बोरिंग प्रश्न पूछ रही हैं आप? आपके पास और कोई सवाल नहीं है? सॉरी, अगला सवाल। हेलो, कौन है? क्या कहा? अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। सॉरी, एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर विश्वा, एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर विश्वा, हम ये इंटरव्यू कब कंटिन्यू कर सकते हैं? कल शाम को मैं 5 बजे रामपुर में मिलूंगा। हाँ? रामपुर पक्का? पक्का पक्का मिलेंगे। आई विल बी वेटिंग, कल मिलने जरूर आऊंगी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। क्या नाम है इसका? अभी नहीं रखा। बुरा न मानो तो इसका नाम मैं रख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ये है विश्वा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं। कौन है तुम? उसका नाम है रंजीत रावत। 3 साल पहले एक मर्डर केस में अंदर हुआ था। अभी कुछ दिन पहले वो जमानत पर बाहर आया था। ये उसी का काम है, लेकिन हमें शक है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है, चाल किसी और ने चली है। कार्रवाई में ढील मत करना, काम जारी रखना। ओके सर। चलिए अपना इंटरव्यू यही शुरू करते हैं। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अपनी जान पर खेल कर गुरु जी को बचाया, अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी, आखिर बात क्या है? क्या जीना नहीं है? मेरा तो बस यही मानना है कि इंसान बेकार में चिंता करता है। मैं तो बस अपना फर्ज निभाने में विश्वास रखता हूँ, जान का मालिक तो ऊपर वाला है। अच्छा, शादी के बारे में क्या ख्याल है? ये मैं अभी बताना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? बस समझ लो यूं ही। बताने में शर्म आती है क्या? ऐसा नहीं है। सच्चाई। आओ चाय पीते हैं। हेलो। हेलो। अरे ये क्या, तुम तो अपनी माँ को भी साथ लेकर आ गए? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी नानी जी हैं। ये तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। सुन अंजलि, सुपर सिलेक्शन। माँ जी, आप क्या पीना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं बेटा, ये ले। क्या है ये? अंजलि की शादी का कार्ड। उसके दिल में फीलिंग्स तो है। क्या करता है ये लड़का? लड़का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, सैलरी 50,000 रुपए। क्या हुआ, ये सुनकर तुम इतने उदास क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेरी पोती बहुत सुंदर है, इसके लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन इसके लिए मैंने सोने जैसा लड़का चुना है और तुम उदास हो रहे हो। नहीं माजी, ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलो। देखो, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं तो साफ साफ कह दो। देखो बेटा, मैं सच सच बताती हूँ, इसकी कोई शादी नहीं होने वाली है। दरअसल बात यह है कि मेरी ये पोती तुम्हें पसंद करने लगी है, इसीलिए इस इनविटेशन के बहाने मैं तुमसे बात करने चली आई। माजी, मैं ये कार्ड देखकर परेशान नहीं हुआ हूँ।
क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। मेरा 6 साल का एक बेटा भी है। देखो, अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो तुमसे जरूर शादी करता अंजलि। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मीना, क्या बात है? कोई बात नहीं, अपना खाना वक्त पर खा लेना, ये लीजिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये आंखों में आंसू। आप जा तो रही है, लेकिन जल्दी लौट आना। जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है ना? देखो मुझे जाना ही होगा, तुम तो जानती हो कि इलेक्शन का वक्त है और काम बहुत है। मैं कोई पहली बार तो जा नहीं रहा। पापा। क्या हुआ? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। आप जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने खास चीज बनाई है। हु? वो क्या? अभी बताता हूँ, ये देखिए। ये डॉल्स किसके हैं? ये मैं और ये मम्मा। मैं अकेले छोड़कर जा रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये डॉल्स बनाए हैं। और ये डॉल आपकी है। आपके यहाँ से जाने के बाद जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं इस डॉल के साथ खेलूंगा। ये मैं हूँ ना? जी हाँ। और ये तुम और मम्मी हैं? बिल्कुल। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं रख लेता हूँ। युवाओं को लेकर मैं चिंतित हूँ। आज की पीढ़ी अपने आदर्श भूल गई है। हर तरफ जहाँ कहीं भी देखो पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। पैसा ही सब कुछ है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। काफी दिनों से मेरे मन में एक ख्याल सा आ रहा है। देखो विश्वा, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। पार्टी का दायित्व अब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पार्टी का मुखिया बनो। ये क्या, आप ये क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी कह रहा हूँ सोच समझ के ही कह रहा हूँ। हमारे काम को आगे बढ़ाने की सारी काबिलियत है तुम्हें। आगे बढ़ो। एक बार और सोच लीजिए। एक अच्छे विद्यार्थी और बेटे की तरह तुम सही राह पर चले हो। मान जाओ। आपके हुक्म को मैं कभी टाल नहीं सकता। तुमसे यही उम्मीद थी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मेरी जगह पर आप रवि को भी तो चुन सकते थे गुरुजी। राजनीति को संपत्ति नहीं माना जा सकता, ये बात तुम ही समझ सकते हो। आपने इस बारे में रवि से बात की? उससे बात करूंगा। मैं जानता हूं ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उसे समझाना होगा, जनता की भलाई हमारा परम कर्तव्य है। अगर वो काबिल होता तो जरूर साबित करता। उससे कोई उम्मीद नहीं विश्वा। तुम मेरे बेटे से बढ़कर हो। मेरे नाम को तुम रोशन करोगे। कौन है?
आपको गुरुजी के घर बुलाया है, कोई बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है। आपने किसी अर्जेंट काम से बुलाया? हाँ विश्वा, बुरी खबर है, पिताजी गुजर गए। सुबह देखा कि मिस्टर विश्वा जरा एक मिनट। क्या बात है? सॉरी मिस्टर विश्वा, आपको अरेस्ट करना होगा। क्या अरेस्ट? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें शक है कि गुरुजी का खून शायद आप ही ने किया है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे भाई जैसा है और पिताजी तो इसे अपना बेटा मानते थे, और ये ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता, ये निर्दोष है। सॉरी सर, आपको जो कहना कोर्ट में कहिएगा। इंस्पेक्टर सर। क्या गलती हुई है? जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? गिरफ्तार नहीं किया है, वो तो बस तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए हमारा प्लान था। तुम जेल नहीं, ऊपर जाओ, अपनी आखिरी सांसें ले लो। कर अपने परिवार को बचा।
जाने के बाद जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं इस डॉल के साथ खेल लूंगा। बर्बाद हो गया। वहां मैं तुम्हारे गांव भी गई थी, तुम्हारे बारे में सब पता चला। यकीन मानो मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें खोने का डर था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं।
विश्वा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है बेटा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू अपने साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला जरूर लेगा। अब किस्मत के आगे किसका जोर चलता है बेटा? बता मुझे, किसके कहने पर तूने मुझे मारना चाहा? क्यों मेरा एनकाउंटर करना चाहता था? किसके इशारे पर नाचता है तू? मुंह खोल, किसने मारा था गुरु जी को? अब बता कौन है वो? अब भाग, मैं तुझे 24 घंटों की मोहलत देता हूं। इस खेल के पीछे जो भी है उसे मेरे सामने खड़ा कर देना, वरना धर्मा। विश्वा ने मुझे धमकी दी है, उसे अपना एनकाउंटर करवाने वाले का नाम चाहिए। नाम बताने के लिए उसने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर वो जिंदा रहा तो वो मुझे मार डालेगा। घबराओ मत, मेरा फोन आने तक इंतजार करो। मुझसे ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे होटल में काम करते थे? तो आप ही हैं वो। क्या चाहिए? रहने की जगह। तुम्हें अपने पास रखकर मैंने तुम पर एहसान किया था, अब तुम उस एहसान को चुकाओ। मैं गांव छोड़कर के शहर में रहना चाहता हूँ, यहाँ पर होटल खोलूंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसलिए सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक जगह दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकूं। तो आप यहीं रहेंगे? तो ठीक है, राइट जाकर लेफ्ट लीजिए, एक कमरा मिलेगा। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसलिए मेहमान की तरह रह लूंगा। कहाँ चले? अपने कमरे में। यू टर्न लो। कमरे के दरवाजे इस तरफ से है क्या? देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नाटकबाज कहीं। चलो आओ। हेलो, मैं डीसीपी ईश्वर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। एक काम करो, शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना। विश्वा, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है।
उस डीसीपी का क्या भरोसा? हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई चाल भी चल दे। मैं एक घूंट मार लूं क्या? ये पीना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन जब परेशान रहता हूँ तो फिर पीना पसंद करता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे कुछ स्वभाव ऐसा दिया है। फालतू के बहाने मत बनाओ। ये बहाने नहीं है, तो मेरी बात कभी मान क्यों नहीं लेते? कांस्टेबल शर्मा स्पीकिंग। अरे वो स्पीडिंग, अभी देखता हूँ। गाड़ी रोकोगे तो मैं एक अर्जेंट काम कर लूंगा। अब क्या हुआ, क्या अर्जेंट है? अरे कहाँ अर्जेंट है, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। ठीक है, तुम गाड़ी चलाते रहो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मेरे पास ये बॉटल है ना। ओफो, क्या मुसीबत है। सिचुएशन सो गया यार, ऐसी हरकत दोबारा मत करना। बोतल में करके जो मजा आया है, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। ओफो, गाड़ी रखो। ये हमारे पीछे क्यों आ गया? बहुत जल्दी में हो। वो इसलिए सर कि एक अर्जेंट काम था। वो मैं कुछ नहीं जानता, चालान कटेगा, फाइन भरना पड़ेगा। अर्जेंट काम इसे था मुझे। अच्छा, ये यहाँ पर शराब की खुशबू कहाँ से आ रही है? शराब कहाँ सर, पेट्रोल लीक कर रहा होगा। मत बोलो, उस बोतल में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। दिखाओ। ओ, बियर। ड्राइविंग के वक्त बियर पी जा रही है? ड्राइविंग तो वो कर रहा सर, बियर तो मैं पी रहा था। शराब रास्कल, इधर तो बोतल। मैंने सर इसका आप क्या करेंगे? मैंने कहा वो बोतल मुझे दो। आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं दे देता हूँ। बियर की बोतल देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया, जाओ यहाँ से। वैसे तो इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, फिर भी एक दो घूंट पी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है। चीयर्स। तुम्हारी बियर पी के वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएगा? अब क्या पता, अब उसको पीने का इतना ही शौक है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ए, ए, गाड़ी रखो। अब ये दोबारा यहाँ क्यों आ गया? तुम गाड़ी से उतरो, तुम गाड़ी लेके जाओ। विश्वास रुको। तुमने मुझे वो बियर दी थी ना? जी हाँ। क्या मुझे उसकी एक बॉटल और मिल सकती है? वो क्यों सर? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसी बॉटल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पी। आपको वो टेस्टी लगी सर? हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो इंडिया की नंबर वन बियर थी। लेकिन तुम ये उल्टी बता रहे हो। ये नंबर वन बियर, ये बताओ बियर दोगे या नहीं? उसके लिए आपको कुछ देर वेट करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार के लिए तैयार हूँ। आपको मुझे कुछ देर अकेला छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों सर, आपने जो पी वो बियर नहीं थी। नजदीक आइए, बताता हूँ। आज मुझे पता चला कि सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये तो सुनकर ही उल्टियाँ करने लगा। बारे में डिटेक्शन टीम का क्या कहना है? सर, सारे सुराग विश्व के खिलाफ ही जा रहे हैं। डीसीपी साहब का सिम कार्ड भी मैंने चेक कर लिया है, विश्व ने उन्हें फोन किया था। ऐसी क्या वजह है कि विश्व ने डीसीपी सर को मारा? वजह है सर, डीसीपी साहब ने विश्व का एनकाउंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन विश्व बचकर भाग निकला। शायद विश्व ने डीसीपी साहब से बदला लिया है। ये विश्व मुझे कोई साधारण गुंडा नहीं लगता, बहुत चालाक है वो। होशियारी से काम लो, अगर वो नहीं पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश्वा, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या है वो? Thank you.
किया है। तुमसे मैंने तब भी प्यार किया जब तुम विश्वा थे, फिर तुम मुझे राजा के रूप में मिले तब भी मैंने तुम्हें प्यार किया। आज तुम फिर विश्वा बनकर मेरे सामने खड़े हो और आज भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं जी लूंगी। विश्वा से प्यार किया, फिर तूने राजा से प्यार किया, हो क्या गया है तुझे? बोल ना छोरी। ये उन फोन नंबर्स की लिस्ट है जिससे डीसीपी को कॉल आती थी और डीसीपी भी इन नंबरों पर कॉल करता था। इन नंबरों के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि डीसीपी का किन लोगों से वास्ता था और वो किन लोगों से मिलता जुलता था। अब इन नंबरों पर डायल करो और उनका पता लगाओ। इस फोन से क्यों? अपना सेल फोन उठाओ और उसी से नंबर डायल कर लो, काम को इजी करो ना। तुम अपने दिमाग को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जो कह रहा वो करो। हेलो, कॉल करो। इस बात से पता चलता है कि तुम मुझ पर कितना डिपेंड करते हो। 9 9 2 9 5 2 2 6 2। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं मुन्नी भाई बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ, देखा मुन्नी भाई बोल रही है, मेरी आवाज सुनकर देखा कितनी तमीज से बोल रही थी, लगता है मुझे लाइन मार रही है। तो आपका नाम मुन्नी भाई है ना? हाँ हाँ, बोलिए, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मैं? आप कहें तो हम होम सर्विस भी दे सकते हैं, चार्जेस सिर्फ 30,000 रुपए। आप अपनी चॉइस बता दीजिए, उसी फिगर की हसीना आपके पास भेज दी जाएगी। डीसीपी से बात करो। अब देखिए, अभी तो मैं तरोताजा हूँ, जब भी मुझे मालिश की जरूरत पड़ेगी मैं आपको फोन करके अपने पास बुला लूंगा। ओके, तुम मुझे जरूर कहीं फंसाओगे। चलो दूसरा नंबर दो। भविष्यवाणी के शो में आपका स्वागत है। घोड़े की तरह नहीं रहा, कौन है मैं? तू देखो, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, कहो तो तुझे ऊपर पहुंचा देता हूँ। मैं विश्वा बोल रहा हूँ। विश्वा तुम? विश्वा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। विश्वा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बताओ, तुमने डीसीपी को फोन क्यों किया? और करता भी क्या, मुझे फोन करना ही पड़ा। गुरुजी की हत्या का केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, पुलिस वाले फाइल दबा कर बैठे थे। मैं लगातार उनसे रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन उन लोगों ने केस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर मुझे डीसीपी को फोन करना ही पड़ा ताकि मैं उनसे मिल सकूं। लेकिन इससे पहले मैं उनसे मिलता उनका खून हो गया। बाकी नंबर ट्राई करते हैं। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। इस नंबर के ओनर की डिटेल चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है शीला, वो एयरटेल में नौकरी करती है, उससे कहकर मैं सारी डिटेल्स निकलवा लेती हूँ। नाम है धर्मा, एड्रेस है नंबर 734 क्रॉस स्ट्रीट, मैडम बाकम, चेन्नई। ये धर्मा तो वही है जो हमारी पार्टी के लिए काम किया करता था, वो रवि के कॉलेज का दोस्त था, उसी के जरिए पार्टी में शामिल हुआ। अब बस ये पता लगाना है कि धर्मा और डीसीपी का क्या कनेक्शन था। भैया फोन। हेलो, रवि, विश्वा बोल रहा हूँ। विश्वा तुम कहाँ हो? विश्वा, मुझसे मिलोगे नहीं? यूँ समझा तुम्हारे आसपास ही हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा। तुम्हारी बहुत याद आती है विश्वा, पिताजी के जाने के बाद तुम्हें तो हो जो मुझे सहारा दे सकता है। पिताजी चले क्या गए, हम पर तो मुसीबतों का साया मंडराने लगा। बस यूँ समझो कि बुरे दिन बीत गए। रवि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओह
सुनो विश्वा, मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहले ही आ चुकी है। क्या कहा? तुम्हारे पीछे हेलमेट पहने हुए वो ठीक है, ट्रक के पास खड़ा वॉचमैन और साइड पर सारे मजदूर सब पुलिस वाले हैं। विश्वा तुम मुझसे मिलने नहीं आना। मुझे गुरुजी के कातिल का सुराग मिल चुका है। तुम्हारे दोस्त धर्मा और डीसीपी के बीच बार बार लंबी कॉल्स होती थी, अब तुम अपने आप को धर्मा से बचा कर रखना। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, विश्वा के पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सुराग हैं। उसे पूरा शक है कि डीसीपी का खून तुमने किया, अब वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, अब तुम बचोगे नहीं। विश्वा जब भी तुम्हारे सामने आएगा वो तुमसे सब उगलवाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मरना होगा। सर, ये जो लाश देख रहे हैं आप, ये धर्म की है। पीपल सर्विस पार्टी के मुखिया रवि का ये राइट हैंड है। क्या इस खून के लिए आपको किसी पर शक है? हाँ है, विश्वा पर। विश्वा और धर्मा की दुश्मनी पुरानी है। क्यों? जी हाँ भाई, और इसीलिए मुझे लगता है कि धर्मा का खून उसी ने किया। विश्वा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ये खबर मैंने ही पुलिस को दी थी, लेकिन फिर भी आप सब मिलकर उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रहे। अगर आप उसे वक्त पर गिरफ्तार कर लेते तो आज मेरा धर्मा जिंदा होता। क्या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक विश्वा को नहीं पकड़ सकता? अंगूठा चाल समझाए क्या? नहीं नहीं, लिफ्ट चाहिए। कहाँ जाना है? पेरिस कॉर्नर तक। इतनी दूर जा रहा है? पेरिस कॉर्नर तो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। तुम तो अमेरिका तक भी लिफ्ट मांगोगे? नहीं नहीं, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा, मुझे स्ट्रेट नहीं जाना है, मुझे राइट टर्न लेना है। बड़ा आया लिफ्ट मांगने वाला। पेरिस को रोको, इसे रोको रोको। आपने कहा कि आप राइट की तरफ जाने वाले हैं, फिर आप स्ट्रेट क्यों चले आए? बोलिए। अरे ये मेरी मर्जी है, मुझे लिफ्ट देने में तकलीफ होती है ना। हाँ होती है तकलीफ, क्या करेगा बोल। मैं क्या कर सकता हूँ अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये फोन करके आर्मी को बुलाने वाला है क्या? आओ रे। अरे आप सब कौन है? मैं लिफ्ट मांगने वाली एसोसिएशन का मुखिया हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट है और ये सेक्रेटरी। क्या जमाना आ गया, लिफ्ट मांगने वालों ने भी एसोसिएशन बना लिया। आपकी बात बिल्कुल गलत है, अभी हम लोगों के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? अब तुम्हारा चालान काटा जाएगा, ऑटो और टू व्हीलर का कन्वेंशन, ये सब का फाइन तुम्हें अभी भरना पड़ेगा। ये लीजिए रसीद। ये क्या, मुझे फाइन भी भरना पड़ेगा? देखिए ये सरासर गलत बात है, मेरे साथ ये सब करके अच्छा नहीं कर रहे आप लोग। देखिए ये आदमी अपने काम से जा रहा था, इसे सड़क पर रोका गया और फिर इससे लिफ्ट मांगी गई। अगर इसे पता होता कि जुर्माना भरना पड़ेगा तो ये बिना कोई टाइम वेस्ट किया आपको लिफ्ट दे देता। खैर आप इसे सजा दे सकते हैं, पहले मुझे तो जाने दीजिए। विश्वा ये देखो, डीसीपी ईश्वर का बैंक स्टेटमेंट। तुमने ये नोटिस किया? क्या? गुरुजी की मौत हुई थी 10 फरवरी 2008 को, और उसके अगले ही दिन मेरा भी एनकाउंटर होने वाला था, और ये देखो 9 फरवरी के दिन संध्या के अकाउंट से डीसीपी के अकाउंट में 25 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं, ये देखो। संध्या? वो कौन है? वो गुरुजी की बेटी है। समझ नहीं आता संध्या ने डीसीपी को इतने पैसे क्यों दिए। मुझसे पूछे बिना किसी से मिलने की हिम्मत मत करना। क्या मतलब? तुम्हारा वो चहेता और प्यारा दोस्त वापस लौट आया है, विश्वा। विश्वा
वो तुमसे मिलने यहाँ जरूर आएगा। बस एक बार वो आ जाए उसे मैं यहीं गाड़ दूंगा। ये गलत है। इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। तुम सिर्फ अपने कमरे में ही रहोगी, वरना जो हाल पिताजी का हुआ वही हाल माँ के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। घर पर पूरी नजर रखना। ठीक है भाई। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? तीन बार पिताजी के साथ काम में लगे रहते हो, थोड़ा वक्त मुझे भी तो दिया करो। मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बोलो ना। आई लव यू विश्वा। रॉन्ग नंबर। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे जो भी कहोगी सच कहोगी। डीसीपी के साथ तुम्हारा क्या वास्ता था? वो क्या वजह थी जिसके लिए तुमने उसे 25 लाख रुपए दिए? मैडम, कमरे के अंदर कोई आया है? बोलो। यहाँ कोई नहीं है। देखो विश्वा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ से चले जाओ। 9841025555 इस नंबर पर मुझे फोन करना, उसके बाद मुझे लेकर जगह तय करनी है। मैं कॉल करूंगा। इस बार वो बच गया, लेकिन अगली बार मैं उसे मारूंगा। हे जीके। बोलिए सर। कमिश्नर को फोन लगाकर कहो कि वो विश्वा का फोन टैप करना शुरू कर दे। सर, विश्वा का फोन प्रेस हो गया है। और रिकॉर्ड करो। संध्या, मैं विश्वा बोल रहा हूँ। दो बजे मुझे डीसी वर्ल्ड पर मिलना। सर, वो दो बजे डीसी वर्ल्ड में संध्या से मिलेगा। व्हाट? अपने डिपार्टमेंट के लोगों को यहां भेज दो। सुनिए सर, वो इसी तरफ आ रही है। विश्वा भी आता ही होगा। बी अलर्ट। यस सर। क्या बात, ये भीड़ भाड़ में मिलने का आइडिया बहुत अच्छा है। संध्या भी आती ही होगी। परेशान क्यों? पुलिस भी आई है। हाँ? सर, विश्वा अपने नंबर से डायल कर रहा है। मैं विश्वा बोल रहा हूँ। मैं आ गई हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस ने तुम्हारे आसपास जाल बिछा रखा है। गौर से देखो। वो तुम लोगों के आसपास ही है। मूव मूव। चलो ढूंढो उसे। वो यहीं कहीं है। विश्वा यहाँ नहीं है, वो कहीं भाग गया है। चलो मूव मूव फास्ट फास्ट। विश्वा, हम लोग यहाँ आने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता था। समझ नहीं आता पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई। बात ये है कि पुलिस हमारा फोन टैप कर रही है। हा? लेकिन पुलिस वाले तो रिश्वत लेने में माहिर है, काम कब से करने लगे? इस फोन का इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। विश्वा मेरे सामने है सर, तो देख क्या रहे हो, जाकर पकड़ लो उसे। जरा मुझे अपना फोन देना। अब मैं प्लान बताता हूँ। मैडम, इस तरह मुझे घूर के मत देखिए। ठीक है, मैं बूढ़ा घोड़ा हूँ, लेकिन मेरी रफ्तार वही है। हाँ। जी, कितना थके बुड्ढा। ये किसका फोन है? हेलो। संध्या, मैं विश्वा बोल रहा हूँ। विश्वा, हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, तुम मेरी वर्ल्ड में मुझसे मिलना। फोन कहाँ से कर रहे हो? पीसीओ से। सर, विश्वा मिला नहीं। सर देखो, संध्या कहाँ है? सर, संध्या तो ठीक मेरे सामने है और फोन पर बात कर रही है। फोन पर बात कर रही है? अरे उसका फोन टैप करो। सर, जो नंबर हम टैप कर रहे हैं फोन उससे नहीं है, कोई दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर? इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे। तुम लोग संध्या को फॉलो करना। ओके सर।
चलो फॉलो देम। संध्या भी गायब होगी सर। क्या गायब होगी? यस सर। चलो जल्दी ढूंढो ना। अब बताओ तुम्हारा और डीसीपी का क्या वास्ता है? तुम्हें क्यों उसे 25 लाख रुपए दिए? क्यों पुलिस डिपार्टमेंट हम दोनों का फोन टैप कर रहा है? बताओ कौन है सबके पीछे? मेरा भाई। कौन? रवि। देखो विश्वा, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि पिताजी का खून मेरे भाई रवि ने किया। क्या बात है पिताजी? सुनो बेटा रवि, तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। ये मेरा फैसला है कि आगे से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को विश्वा ही संभालेगा। क्या विश्वा को? हाँ बेटा, वो पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा और फिर राज्य का सीएम भी। जिस तरह उसने अपनी काबिलियत से इस राज्य के युवाओं का दिल जीता है ना, वो सचमुच काबिले तारीफ है। विश्वा हमारी पार्टी का भविष्य है। फैसला लेने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा? ऐसा नहीं है बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ गया पिताजी, आपने हमेशा उसी को काबिल समझा। मैं तो नालायक हूं, आपका नाम रोशन नहीं कर सकता। आपने मुझे खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया। एक मौका मिलता तो मैं खुद को साबित करता। इस राज्य के सारे युवा मेरे एक इशारे पर, वो अपनी जान देने को तैयार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। अपने पर इतना अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम्हें विश्वा की तरह अच्छे सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। एक अच्छा नेता और एक अच्छा सेवक बनना जरूरी है, ना कि इलेक्शन जीतना। रवि बेटा, तुम्हारा पिता तुम्हारी भलाई ही चाहेगा, मुझे गलत मत समझना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अपने पिता को माफ करोगे ना? पिताजी, पिताजी को मारने के बाद रवि ने मुझे और माँ को ये धमकी दी कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो वो हमें भी जान से मार देगा, और खुद को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम तुम्हारे सिर लगा दिया। मैं और माँ बिल्कुल बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, वरना हम तुम पर आज नहीं आने देते। लेकिन विश्वा, तुम अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित कर सकते हो। मेरे पास उस कत्ल की वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन में है, ये ले लो। की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो संध्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुमने अपने भाई को धोखा दे ही दिया ना? हाँ, सबसे बड़ी खबर ये है कि सीएम रवि की बहन संध्या का कत्ल हो चुका है। आज डिजी वर्ल्ड के अंदर दोपहर के वक्त संध्या का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार ये कत्ल विश्वा ने किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे राज्य में एक सनसनी फैल गई है। चीफ मिनिस्टर मुझे बनना था। अगर पिताजी जिंदा रहते तो चीफ मिनिस्टर तू बनता। इसलिए तुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने ये खेल खेला और तू यहाँ पहुंच गया। तू मुझ तक ना पहुंच पाए इसलिए मुझे कई लोगों को मारना पड़ा। सबसे पहले मरा डीसीपी, धर्मा और मेरी बहन संध्या।
इन सब का इल्जाम तेरे सर पर है। तू तो गया, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू तुझसे मिले बिना कैसे रहता, इसलिए आखिरी मीटिंग करने आ गया। समझ ले कि तेरा खेल खत्म हुआ, तेरी मौत बनकर आऊंगा मैं। अपना खेल तो तू खेल चुका है, अब बारी मेरी है, मैं पासा पलट के रखूंगा। इस खेल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, देख अब क्या होता है। छोड़ दे विश्वास, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खेल का पासा पलटेगा तू, औकात है तेरी मुझसे लड़ने की। अगर खुद को इतना हीरो समझता है तो मेरा एक चैलेंज कबूल कर। चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैंने एक पोलियो कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है। इस राज्य के सारे बच्चे इस पोलियो कैंपेन में लाए जाएंगे और यहाँ शुरू होता है मेरा चैलेंज। अगर तू होशियार है तो इस पोलियो कैंपेन का राज बताकर गवर्नर भी इस कैंपेन में आएंगे। और मैंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है, दिल खोल कर पब्लिसिटी की है ताकि मेरा प्लान कामयाब हो। हर किसी की जबान पर मेरा नाम होगा। अब तू यहां बैठकर सोचता रहे कि मेरा प्लान क्या होगा। ऑल द बेस्ट। ये विश्वा के केस के बारे में तुम कुछ करते क्यों नहीं? सीएम रवि का मुझ पर कितना प्रेशर है तुम जानते हो? दिल खोल कर पब्लिसिटी की है ताकि मेरा प्लान कामयाब हो। हर किसी की जबान पर मेरा नाम होगा। इस राज्य के सारे बच्चे इस पोलियो कैंपेन में लाए जाएंगे। एसीपी जी बोलिए। आपको पोलियो कैंप में सीएम को सिक्योरिटी देनी है। ये कैसे मुमकिन है? आप ऐसा कीजिए, किसी दूसरे ऑफिसर को बोलिए। मतलब आप वहाँ नहीं जाएंगे? अरे मैं कैसे जाऊँगा, पहले से ही मेरे सर पर उन्होंने इतनी जिम्मेदारी डाल रखी है, मैं क्या क्या करूँ? सुनिए सुनिए, सब ध्यान से सुनिए, आज पोलियो कैंपेन होने जा रहा है। आप सभी से दरख्वास्त है कि 5 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को पोलियो सेंटर जरूर लेकर जाएं। अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दिलवाकर उनकी सेहत और तंदुरुस्ती का ध्यान रखिए। याद रखिए, 2 बूंद जिंदगी की, ये आपके बच्चे का हक है। दिल खोल कर पब्लिसिटी की है ताकि मेरा प्लान कामयाब हो। हर किसी की जबान पर मेरा नाम होगा। इस राज्य के सारे बच्चे इस पोलियो कैंपेन में लाए जाएंगे। आप सभी से दरख्वास्त है कि 5 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को पोलियो सेंटर जरूर लेकर जाएं। याद रखिए, 2 बूंद जिंदगी की, ये आपके बच्चे का हक है। अपना फोन दे, अपना फोन जल्दी से बाहर निकाल। वो क्यों? आज होने वाले पोलियो कैंपेन को रोकना है इसलिए। और निकाल अपना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन क्यों? मैं खुद सच बताता हूँ, आज के पोलियो कैंपेन में जिस बच्चे को भी डोज दिया जाएगा कितना टाइम और है? करीब 1 घंटा और। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरों में, हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, रिकॉर्ड कीजिए, इसे टेलीकास्ट कीजिए, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
इस शहर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जो पोलियो का कैंपेन हमारे शहर में हो रहा है उससे सभी बच्चों को खतरा है। पैसे के लालची दरिंदों ने अपनी जेबों को भरने के लिए पोलियो कैंपेन में नकली दवाइयां भेजी हैं। अगर ये कैंपेन ना रोका गया तो कुछ भी हो सकता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस कैंपेन को फौरन रोकने में मेरी मदद कीजिए। एक जरूरी सूचना, पूरे राज्य में होने वाले पोलियो कैंपेन का भांडा फूट चुका है। इस कैंपेन में दी जाने वाली सारी दवाइयाँ नकली हैं, इसलिए कृपया आप सावधान रहें, अपने बच्चे को ये पोलियो की दवाइयाँ ना दें। अरे सुनो सुनो, अपने बच्चों को ये दवाइयाँ मत पिलाओ, सुना है कि ये दवाइयाँ नकली है। नकली है क्या? मुझे क्या पता, मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ। शहर में हो रहे पोलियो कैंपेन को रोकने के लिए विश्वा अपनी जान पर खेल गया। खबर है कि पोलियो की सारी दवाइयां नकली हैं। पूरा शहर विश्वा का शुक्रगुजार है कि उसने सही समय पर ये खबर पहुंचाई। विश्वा कातिल नहीं हो सकता, उसने तो हमारे बच्चों की जान बचाई है, वो भगवान का रूप है। आज अगर मेरे बच्चे की जान बची है तो सिर्फ विश्वा की वजह से। विश्वा, हम सब पर तुम्हारे बहुत एहसान है, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। विश्वा जहां कहीं भी होगा तुम लोग उसे पकड़ कर लाओगे मेरे कदमों में। बस एक बार वो विश्वास मेरे सामने आ जाए जहां से मार। Oh!
अभी-अभी मिली एक ताजा खबर के मुताबिक पीपल सर्विस पार्टी के रवि की मौत हो गई है। रवि जो कि इस प्रदेश के सीएम थे, वो असल में नकली दवाइयों का धंधा करते थे। हमारे समाज को विश्वा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पोलियो कैंपेन का भांडा फोड़ा। नकली दवाइयों का भांडा फोड़ने का पूरा श्रेय सिर्फ आपको जाता है। रवि तो गुरुजी का अपना बेटा था, फिर भी उसने अपने पिताजी के साथ साथ अपनी बहन को भी मार डाला। इसकी वजह क्या है? देखिए, सत्ता के लालच में इंसान हमेशा अंधा होकर जुर्म करता है। ये क्या पांडे जी, आप पेशे से तो शेफ हैं। ये जूडो कराटे आपने कब से शुरू किया? शेफ के साथ साथ मैं कराटे चैंपियन भी हूँ, और इस बात को अच्छी तरह से जानता है हमारा ये विश्वा, लेकिन ये मुझसे कुछ भी नहीं सीख पाया। आप कौन है श्रीमान? मुझे अपनी तारीफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ बड़े 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 ही नहीं तले हैं, राजा जैसे छोटे मोटे लोगों को लड़ना भी सिखाया है। अपनी ये पुरानी बकवास बंद करो, कब तक यूं ही फेंकते रहोगे? तुमने क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है? आप इसे पूछिए। ये बहुत ही नेक इंसान है, मुझे गर्व है कि मैं इसका दोस्त हूँ।